माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को 8 दिन पहले ही अपनी मौत की आहट आने लगी थी। उसने 21 मार्च को बाराबंकी कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था और जेल में धीमा जहर दिए जाने की और हत्या की आशंका जताई थी। और ठीक 8 दिन बाद वही हुआ जिसके लिए मुख्तार का पूरा परिवार लगातार आरोप लगा रहा था, लेकिन मौत की वजह पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। इस बीच 19 मार्च को मुख्तार द्वारा लिखी गई चिट्ठी खूब वायरल हो रही है। इस चिट्ठी में मुख्तार ने कुछ नामों का भी जिक्र किया है जिस पर मुख्तार अंसारी ने हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। माफिया मुख्तार अंसारी की चिट्ठी में मुख्तार ने जेल प्रशासन पर खाने में जहर मिलाकर देने के आरोप लगाए थे। इसके साथ ही मुख्तार ने सुरक्षा की मांग करते हुए उचित कार्रवाई करने को कहा था। 21 मार्च को मऊ अदालत में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को लेटर में मुख्तार अंसारी ने लिखा, 19 मार्च की रात को जेल प्रशासन ने मुझे खाने में जहर देकर जान से मारने की कोशिश की। इससे पहले भी 2 बार बांदा जेल में मुझे जान से मारने का षड्यंत्र रचा जा चुका है। मुख्तार ने आगे लिखा, मुझे सूत्रों से पता चला है कि इसके पीछे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, MLC ब्रजेश सिंह, BJP विधायक सुशील सिंह, पूर्व STF IG अमिताभ यश और उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह का हाथ है। इन लोगों को सरकार की तरफ से हत्या के बाद कानूनी कार्रवाई से बचाने का भी आश्वासन दिया गया है। BJP सरकार में जेल के अंदर कई लोगों की हत्या हो चुकी है, मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत है। 21 मार्च को ही बाराबंकी के MP MLA कोर्ट में मुख्तार अंसारी के वकील की तरफ से भी कोर्ट में लिखित एप्लीकेशन दी गई थी। उसमें भी मुख्तार को जहर देने की बात लिखी थी। मामले में जांच और सुरक्षा की भी मांग की गई थी। मुख्तार के भाई और बसपा सांसद अफजाल अंसारी ने भी बताया था कि मुख्तार को खाने में जहरीला पदार्थ मिलाया गया है। वो उनका मानना है और उनका कहना है कि उन्हें खाने में कोई जहरीला पदार्थ खिलाया गया। दूसरी बार हुआ। अच्छा, पहले भी 40 दिन पहले एक बार हो चुका है और अभी भी शायद 19 को या 22 को कोई डेट बताया नहीं। वहीं मुख्तार की मौत के बाद बेटे उमर अंसारी ने मामले को लेकर कोर्ट जाने की बात कही। साथ ही मौत के बाद मुख्तार का पोस्टमार्टम हो गया है, जिसके बाद उसको गाजीपुर के लिए रवाना कर दिया गया, जहां उसका शनिवार को सुपुर्द खाक किया जाएगा। लेकिन इसी बीच उमर अंसारी ने DM को पत्र लिखकर मुख्तार की एम्स में पोस्टमार्टम कराने की मांग की है। हमने तो लिखकर दिया है कि दिल्ली एम्स के डॉक्टरों से कराया जाए, हमें यहाँ की चिकित्सा प्रणाली और शासन प्रशासन पर विश्वास नहीं है। वो सोशल मीडिया पर भी है और मीडिया को भी हमने मुहैया करा दिया। आप लोग को सब पता है क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। वहीं मुख्तार की मौत के बाद लगातार विपक्ष के नेता योगी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं बढ़ते बवाल को देखते हुए मामले की न्यायिक जाँच के आदेश दे दिए गए। इस मामले में 1 महीने के अंदर रिपोर्ट जमा करानी होगी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।